चोट पड़ेगा एक सर पर, अल्लाह करे सबको बुरे वक्त पर सहारा इन लोग दीजिए। अफजल इमाम हम लोग का खास आदमी है। खास आदमी है। जी हाँ, बहुत अच्छा लड़का है। खास आदमी का चुनाव है 28 तारीख। हाँ, दम देंगे। उनकी पत्नी है महज, जानते हैं सबसे, मेज छाप है वो उनका। मुझे भी जानता है। आप जानते हैं तो बताइए तो कौन छाप है। ये टेबल है, क्या मेज, है टेबल, हाँ, टेबल। कितना नंबर है बता है? 14 पड़ेगा जी, देंगे जी 14 नंबर पे। 14 नंबर पे कौन छाप है? कमल छाप है। ना ना, मेज मेज छाप, मेज छाप। वोटो मिलेगा कि खाली आए सुनने? मिलेगा का है ना, एक वो वोट मिलेगा, पूरा परिवार का मिलेगा। पूरा परिवार का जेगो रहेगा जेगो मिलेगा, पूरा परिवार का जेगो रहेगा वो मिलेगा न। अफजल इमाम कैसे नेता लगे आपको? अच्छा लगे। अफजल इमाम को वोट दीजिएगा? हाँ हाँ। कौन छाप है बताइए तो? टेबुल छाप। टेबुल छाप, अरे बाप रे बाप, पूरे मेज छाप। मेज छाप। नाम बताइए तो, कौन कितना नंबर पे है? 14 पे। 14 पे। कौन याद आपको करा दिया भाई? अभी सुने, पूरा सपोर्ट है। पूरा सपोर्ट है यहीं पे कि बाद में जाके पलट नहीं, 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 हम लोगों का सपोर्ट है। सपोर्ट है। आजकल लिफाफा में पैसों जाता है? नहीं, सब गलत है। जमहूरियत की सबसे छोटी इकाई जो है वो निकाय चुनाव होता है, और अभी हम लोग जो राजा बाजार का एरिया है वहाँ पर है, और ये अफजल इमाम है। पहली बार हमने ये देखा कि कोई नेता बोल रहा है तो पूरी पब्लिक जो है ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा है। वो नेता कोई उग्र भाषण नहीं दे रहा है, वो नेता किसी को हड़का नहीं रहा है, किसी को भड़का नहीं रहा है। वो संविधान की बात कर रहा है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहा है, वो हिंदू मुस्लिम के प्रेम का बात कर रहा है, वो धर्म और जात से ऊपर उठने की बात कर रहा है। वो ये भी कह रहा है कि हम सुबह से ही निकले हुए हैं, 9 कार्यक्रम हो चुका है, और इतनी शालीनता से वो अपने बात को कह रहा है। और जो लोग भीड़ आती है, हम लोग कई रैली कवर किए हैं, भीड़ कोई पानी पीने में व्यस्त है, कोई नाश्ता करने में व्यस्त है, लेकिन वो भीड़ उनको एकाग्रता के साथ उनको सुन रही है। इनका तबीयत, अफजल इमाम का तबीयत जो है वो नासाज चल रहा है। उनकी पत्नी महजवी हैं और उनका मेज छाप है 14 नंबर पे। लेकिन ये महिलाएं भी, जो खास करके महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि लोग आपस में बात करती हैं कहीं पे बैठती हैं तो, लेकिन आप लोग अफजल इमाम को जो है इमाम को सुन रहे थे। महिलाएं के बारे में कहा जाता है कि जहाँ 2-4 बैठ जाती हैं वो आपसे में बात करती हैं, लेकिन हम गौर कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ध्यान से उनको सुन रही हैं। क्या सुन रही हैं और कैसे नेता लग रहे हैं और वोट मिलेगा कि नहीं? वो तो मेरे गांव, मेरे मोहल्ले का ही है। हाँ। कबूतरी गली में उसका घर है, मेरा भी वही है उसी गली में। हाँ हाँ। अफजल इमाम हम लोग का खास आदमी है। खास आदमी है। जी हाँ, बहुत अच्छा लड़का है। खास आदमी का चुनाव है 28 तारीख। हाँ, दम देंगे। उनकी पत्नी है महज, जानते हैं सबसे, मेज छाप है वो उनका। मुझे भी जानता है। आप जानते हैं तो बताइए तो कौन छाप है? ये टेबल है, क्या मेज, है टेबुल मेज, हाँ, टेबुल। कितना नंबर है बता है? 14। 14। हाँ। आप लोग आपस में बात नहीं ना कर रही थी? अफजल इमाम को सुन रही थी ना? सब सुन रहे थे। चाची ठीक है? सुन रहे थे। हाँ के नहीं आईला? हाँ सुन रहे थे, सुन रहे थे। अच्छा कान है। आप लोग अभी अफजल इमाम को सुनी, क्या लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। वोट पड़ेगा इनको? जी हाँ। वोट पड़ेगा जी, देंगे जी 14 नंबर पे। 14 नंबर पे। कौन छाप है? कमल छाप है। ना ना, मेज मेज छाप, मेज छाप। और भी यहाँ लोग हैं। चाची जाइए, नहीं आपसे बात करने आए हैं, आप ही के टोला में लजाइए। नहीं, अफजल इमाम का भाषण सुनी? हाँ सुना तो। कैसा लगा? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। देखे हम आप लोगों की एकदम ध्यान से सुन रहे हैं। तो वोटो मिलेगा कि खाली आए हैं सुनने? मिलेगा का है ना। हाँ? एक वो वोट मिलेगा, पूरा परिवार का मिलेगा। पूरा परिवार का जेगो रहेगा जेगो मिलेगा, पूरा परिवार का जेगो रहेगा वो मिलेगा न। अफजल इमाम कैसे नेता लगे आपको? अच्छा लगे। चलिए तो यहाँ और भी लोग हैं, काहे मुस्कुरा रही हैं? वोटवा कहाँ जाएगा? बात सुनकर, बात सुने अच्छा लगा। हाँ अच्छा लगा। कहाँ जाएगा वोट? अफजल इमाम को वोट दीजिएगा? हाँ, हाँ। कौन छाप है बताइए तो? टेबुल छाप। टेबुल छाप, अरे बाप रे बाप, पूरे जिंदगी सबके पता है। आप लोग कहाँ वोट जा रहा है? आप लोग मेज छाप। मेज छाप। नाम बताइए तो, कौन कितना नंबर पे है? 14 पे। 14 पे। कौन याद आपको करा दिया भाई? अभी सुने। हाँ सुन ली, पहली बार लोग ध्यान से सुन रहा है किसी नेता का भाषण। वोट पड़ेगा उनको जी? पूरा
चाची तो बोल लीजिए, अब तो आपसे बोलवा करेंगे। अरे बोल लीजिए आप, बिना बोले हम छोड़वे नहीं करेंगे, हम बिना बोले छोड़ने वाले आइए नहीं है। अफजल इमाम को वोट पड़ेगा, खाली बताइए ना। पड़ेगा चाची। हाँ पड़ेगा। बढ़िया नेता लग रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा। बढ़िया नेता लग रहे हैं जी। अच्छा लग रहा है, हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हो जाएगा। आप लोग का मैडम? हमारा पूरा सपोर्ट है। पूरा सपोर्ट है यहीं पे कि बाद में जाकर प्लान? नहीं नहीं, हम लोग का सपोर्ट है। सपोर्ट है। आजकल लिफाफा में पैसों जाता है? नहीं सब गलत है। अफजल इमाम है और पहली बार हम आपको सही बता रहे हैं कि किसी नेता को मैं। हाँ सुनाइए ना, सुनाइए। वोट पड़ेगा एक सर पर। हाँ। अल्लाह करे सबको बुरे वक्त पर सहारा इन लोग दीजिए। मेरे लोग आप लोगों को सहारा चाहिए। चलिए खुदा जाएगा तो आप लोग को दे देगा। गरीब लोग को सहारा चाहिए, बुरे वक्त पर मिलना चाहिए। हाँ। ये होता अभी का जिता देंगे, बाद में बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, वो अच्छा नहीं होना चाहिए। हाँ। जीते अल्लाह करे सबको बुरे वक्त पर सहारा मिलना चाहिए। हाँ। बुरे रहे जवान रहे बुरे वक्त पर, बस और कुछ। चलिए चलिए तो हम वोट देंगे, लेकिन हमारी शिकायत है और हमारी अर्जी है कि आप सुनिए। महिला लोग आपस में बात करती हैं, लेकिन महिला लोग यहाँ अफजल इमाम को सुन रही हैं। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।